आदमी है उसके ऊपर जादू करके उसको बीमार कर दे, कोई भी औलाद है क्या जादू के जरिए उसको औलाद दी जा सकती है क्या? अल्लाह ने उसके हाथ में औलाद रखी और औलाद जरूर दे, क्या यह सब मुमकिन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे साबते बयान कर दिया इसे कायद के, और जादू क्या है इसका हुक्म क्या है यह भी बयान कर दिया गया। जादू बिल्कुल साफ अल्फाज कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया जादू के सिलसिले में के वतबा मा तदरु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमान, शयातीन ने कुफ्र किया, हजरत सुलेमान अलैहि सलातो सलाम ने कुफ्र नहीं किया। असल में यहूद जो है इन लोगों का मामला यह था कि हजरत सुलेमान अलैहि सलातो सलाम को ये लोग नबी नहीं मानते थे बल्कि जादूगर मानते थे, और उसके सिलसिले में मुख्तलिफ रवायतें, बाद रिवायतें ऐसी है जिसकी सनद में जो हसन दर्जे की के कुछ किताबें वगैरह जादू की जिन्होंने लिख करके आवाम में फैला दी और ये मशहूर कर दिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्जे में जो जिन थे और जो इतने अख्तियार था वो इन किताबों में जो लिखे हुए उलूम है इसी की बुनियाद पर था, और फिर ये मशहूर हो गए लोगों के दरमियान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तर्दीद की कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू नहीं करते थे क्योंकि ये कुफ्र है, ये तो शयातीन ने किया था, जादू का करना जादू का करवाना कुफ्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सात हलाक करने वाली चीजों से बचो, उसमें पहली चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई शिर्क, और दूसरी चीज जादू। जादू करना करवाना दोनों के बारे में हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स जादू करता है और कोई शख्स जादू करवाता है तो दोनों ने शरीयत इस्लामिया का इनकार किया, कुफ्र किया, शरीयत के बाहर हो गया, जादू करने वाला भी और जादू करवाने वाला भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी काहिन के पास जाए, नजूमी के पास जाए, और जाने के बाद उससे अपने किसी गुमशुदा चीज के बारे में या किसी और चीज के बारे में उससे मालूमात ले लें और उसकी मालूमात की तस्दीक कर दे लें तो हम में से नहीं उसने शरीयत की तकसीम की, इस्लाम की तकसीम की उसने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स किसी नजूमी के पास जाता है तो सही मुस्लिम की रवायत के अल्फाज है 40 साल 40 दिन तक के उसकी नमाज कबूल नहीं होती, 40 दिन तक के उसकी तमाम इबादतें जो है वो कबूल नहीं होती, ये सही मुस्लिम की रिवायत के अल्फाज है। उमूमन कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी मजलिस में बैठा होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है किसने अगर किसी नजूमे की तस्दीक की तो आदमी खबर बयान करते हुए बड़े यकीन के साथ ये जुमला कह देता है अरे फला आदमी के पास गए उसने बताया और बच्चा मिल गया, फला चीज उसने बताई और ये हो गया, ये घुमाए तो ये हो गया, जिस तरह रुक गया वहां से मिल गया। ये तस्दीक करने में सबके सब चीजें दाखिल है, ये तस्दीक में दाखिल हो गई कि हमने इसको सही मान लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती के साथ इसको मना किया है, और अइम्मा के अकवाल अगर देखें और सहाबा किराम के तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अगर कोई शख्स जादू है जादू करता है जादूगर है और साबित हो जाए तो उसको कत्ल कर दिया जाए। एक कौर अलावा इब्ने कसीर ने नकल किया है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जादूगर को कत्ल करने का हुक्म दिया। वलीद बिन उक्बा के दौर का वाकया बड़ा मशहूर है कि उसके दौर में जादूगर सोमताबाजी बताया करता था, तो ये सोमता बताता था वो कि सर काट करके अलग कर देवे और फिर सर को जोड़ दे। एक बुजुर्ग सहाबी को जब इस बात का इल्म हुआ तो आप उसके दरबार में पहुंचे और जैसे उसने सोमताबाजी का शुरू की आपने तलवार निकाली और उसके गर्दन मार दी और कहा आप जोड़ दी। तो वलीद बिन उक्बा इस बात पर नाराज हुआ कि सहाबी ने आपसे उससे इजाजत लिए बगैर उसको कत्ल किया, आपने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अंजाम बयान किया जादू का। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर जादूगर पकड़ा गया जादू करते हुए और उसके बाद अगर वो तौबा भी कर लेवे तो उसको कत्ल किया जाएगा, उसकी तौबा तो मानी जाएगी लेकिन उसे बहरहाल कत्ल किया जाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जादूगर के बारे में यही कहते हैं
कि अगर उसे जादू अगर करता है इस्लामी मामलेकत में है और ये साबित हो जाए तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। जादूगर वाजिबुल कत्ल, कत्ल कर दिया जाएगा उसे। बाज़ लोगों ने यह शर्त लगाई है उसमें इजाफी कि अगर उसकी वजह से किसी का खून हुआ, कत्ल हुआ है किसी वजह से, तो उस बुनियाद पर कत्ल किया जाएगा। लेकिन इमाम अहमद रहमा मालिक रहमतुल्लाह के अकवाल में यह चीज मौजूद है कि यह जरूरी नहीं है, अगर वो जादू करे तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ये कितना शरीफ और संगीन जुर्म है, मैंने बहुत इंतजार के साथ कुछ अहकाम शरीयत इस्लामिया के सिलसिले में बयान किए। आज हमारे समाज और माशरे के अंदर अगर हम आप गौर करें तो बड़ी आम सी चीज है झाड़ धूप जादू टोना, बड़ी आम सी चीज है। और इसकी बुनियाद पर हमारे यहाँ अकीदे से कैसा कैसा खिलवाड़ हो रहा है, लोग अपने अकीदे से कैसा खेल रहे हैं, कुफ्र और शिर्क में किस तरह मुब्तला है। एक चीज बड़ी मशहूर है हमारे माशरे के अंदर, अगर किसी के ऊपर जादू किया गया, किसी के ऊपर, मैंने खुतबे के आगाज में जो सवाल खड़े किए थे इंशाअल्लाह अज़ीज एक एक चीज का जवाब अल्लाह ने कुरान मजीद में दिया है, मैं उसकी तफसील बयान करूंगा। अगर किसी के ऊपर जादू किया गया तो जादू चूंकि गंदा इल्म है, अजीब गरीब जहालत, अजीब गरीब मतदीद की है, इसलिए उसको पाक इल्म यानी कुरान से उसको अगर पढ़ा जाए तो अच्छा नहीं किया जा सकता, मरीज को उससे उसका दिफा नहीं किया जा सकता, इसीलिए जादू का तोड़ जादू से करते हैं और फिर उसमें एक इजाफा और कर देते हैं कि असल में वो जो है तो नहीं है, या वो जो जादू किया है वो सुअर की खाल पर बैठ जाता है इसलिए उसको हाजिर करना टोनाइन वगैरह का भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि उसको हाजिर करना मुमकिन नहीं होता है। गौर कीजिए, आदमी जबान से कह दे रहा है लेकिन क्या कह रहा है, उसके अकीदे, उसके ईमान, अल्लाह की अजमत, उसके अख्तियार का इनकार क्या क्या कर रहा है। इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जादू किया गया था, लबीद बिन आसिम नाम का एक जादूगर था जो यहूदियों का बड़ा मशहूर जादूगर था, और उसको पैसा देकर के यहूदियों ने इस बात पर तैयार किया था कि आपके ऊपर जादू करे और उस जादू से आपको हलाक कर दिया जाए। चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था या जो रसूल बल्ले मांग से ले लेके मेरे रब्बी वही लम तफअल फमा बल्लगत रिसालती वल्लाहु यअसिरुन लिन्नास, ऐ रसूल जो कुछ तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ है खुल करके बयान कर दीजिए, पहुंचा दीजिए। और इसको पहुंचाने में मुखालफत होगी, लोग आपको खत्म करने के दर पे होंगे, तो उस वक्त अल्लाह यासुकुम अन्नास लोगों से हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। और अल्लाह ने कैसी जिम्मेदारी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब जिम्मेदारी ली तो कैसा हुआ, कत्ल करने की 18 कोशिशें अल्लाह के नबी की हुई लेकिन एक बार भी कामयाबी नहीं मिली किसी को। ग़ज़वा उहुद में आप जख्मी जरूर हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल्लाहु यासुकुम अन्नास मैं हिफाजत करूंगा, ये गालिब नहीं आएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, इसका मतलब यह नहीं, तकलीफें तो पहुंचाएंगे, जख्मी किया ताइफ की घाटियों में कई मरतबा कोशिशें की, तो ऐसे ही जादू की भी कोशिश की गई तो आपके ऊपर उसका असर यह हुआ कि कोई काम अगर आप करते थे तो आपके जहन से निकल जाता, यानी इतने असरात उसके ऊपर हुए और उसका एहसास आपको हो गया। वो एक लंबी बहस है इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी है खुद पे उसको तफसील से बयान करूंगा। बाद लोग इसका भी इनकार करते हैं कि नबी के ऊपर जादू नहीं हो सकता, हालांकि उसका जवाब खुद कुरान में मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब फिरौन ने जादू करे से मुकाबला करवाया और जादूगरों ने जब रस्सियां डाली तो कुरान के अल्फाज यह हैं कि रस्सियां हरकत करती हुई महसूस हो रही थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको देखकर खौफजदा हो गए। फआदत फी नफ्सी खीफतन मूसा, कुरान के अल्फाज है, खौफजदा हो गए। जाहिर सी बात है कि रस्सियों से कौन खौफजदा होगा, एक दो साल के बच्चे को दे देवे तो आपको रस्सी खेलना शुरू कर देता है। वो मूसा अलैहिस्सलाम एक हाथ में एक आदमी का काम तमाम हो गया था, ताकत का यह आलम था, बहादुरी और कुवत का यह आलम था, एक हाथ सिर्फ एक को मारा था बस, वो जलील कद्र नबी वो खौफजदा हो गया, आपको जो दिखा था उससे खौफजदा हो गया। अल्लाह ने कहा कुल्ला ला तखफ इन्नका अंता अल अअला, खौफजदा ना हो, मेरे हाथ में जो उसको डाल दिया तो वो जरा सा खौफ था बस, लेकिन अल्लाह की मदद फौरन आई तो असर हुआ, लेकिन वो लोग गालिब नहीं हुए आपकी तमाम चीजों को ऊपर, असरअंदाज नहीं हुए। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना असर हुआ था कि आपकी तमाम चीजें बिल्कुल मामूल के मुताबिक थी लेकिन
तो उसको करा या नहीं करा ये ख्याल दिल में आता। आपके एहसास था, आप अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी दुआ को कबूल किया और फिर फरिश्तों के जरिए आपको बताया। दो फरिश्ते आपके ख्वाब में आए जो आपके सिराने बैठे हुए थे और आपस में गुफ्तगू करते हुए कहते हैं ये वही शख्स है, कहा ये वही, इसके ऊपर जादू किया गया। पीर ज़रवान में कुआं था, उसमें कंघी आपकी जो थी और आपके जो बाल नाखून थे और खजूर के वो जो खोशा था उसके ऊपर जादू किया गया। तो कहा इसी के ऊपर किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला और दीगर सहाबा के साथ आप वहां तशरीफ ले गए, उसको कुएं में से निकाला, आयतें पढ़ते जाते और किरणें खुलती जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका पानी कुएं का बिल्कुल सुर्ख हो चुका था और बड़ा हिम्मतनाक मंजर दिख रहा था। यहाँ पर भी कुछ सवाल आते, आप किसी जादू कुएं के पास जाएंगे, आप उसके पास जब बैठेंगे और बता दीजिए कि इसको कुछ ऐसा ऐसा होता है, वो कुछ ना जाने क्या पड़ता है, अल्लाह बेहतर जाने। क्योंकि हमारे यहाँ रहमानी इल्म जिसको कहते हैं लोग, अगर आप उसकी तफसीलात में जाएंगे तो खालिस शिर्किया मंत्र हैं जो किताबों में लिखे हुए हैं। मैंने खुद अच्छा रूप में समझ में ही बात नहीं कर रहा, उससे पढ़वाया जा, कहा तुम जो पढ़ रहे थे ये कौन सा इल्म था, कहने लगा रहमानी। मैंने कहा थोड़ा सा पढ़कर सुनाओ, मुझको भी तो मालूम पड़े रहमानी कौन सा पढ़ रहे थे। तो पढ़ता है आयतल कुर्सी हजारी गिरते बकरी तो हजारी मोहम्मद मुस्तफा की सवारी नौज बिल्ला तफरुल्ला सुमा तफरुल्ला यह रहमानी। अजीब हो गए, कहीं की बिल्ली मंगाते हैं, कहीं का कुत्ता मंगाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा सा गौर कीजिए, अब चढ़ फुक तो पास आप जाएंगे कहेगा अरे आपके ऊपर किया गया, ये कहां से इसको मालूम हो गया। कायनात का इमाम अल्लाह का सबसे बरकसीदा बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम, फरिश्ते बता रहे हैं कि आपके ऊपर जा चुके हैं और फला फला चुके हैं, इनको कहां से मालूम है, कौन सा जरिया, कुछ अलामतें बराबर कि अगर जादू हो तो हो सकता है कि दिख जाए, मगर ये सच जो बताते हैं यहाँ गाड़ा है यहाँ निकालो, ये सब का जरिया है, कौन से जरिए से आता है, ये गैबियात किसे इसको। ऐसे वाकयात समाज में हुए हैं कि उन्हीं लोगों ने अपने आदमियों से गड़वाया और वही निकलवाते हैं। जमीन के अंदर पोशीदा आपके जेब में अगर कुछ रखा हुआ तो वो नहीं बता सकता, वो ना तो बैठ करके उससे पूछे कि कितना रुक गया, जरा देर में सब समझ में आ जाएगा। आपने आपकी बहुत सारी चीजें आपके पास मौजूद रहेंगी उसको नहीं बता सकते, तो जैसे ही बैठेंगे बस कह देते हाँ अरे इसको तो किया गया है बहुत खतरनाक, और सांवले कलर का आदमी है और दरमियानी हाइट है मीडियम, अब आपके खानदान में एक नग्न हो, गोरे कलर की औरत है खड़े नाप नक्शे की और जामले कलर का कपड़ा भी पहन लिया, अब उसका हो गई औरतों की तो आदत होती है कि जो रंग का पहन लिए तो दूसरा नहीं पहन, दूसरा जब जाते हैं तो कहते हैं ये कलर नहीं दूसरा, उन लोगों का कोई ना कोई निकल जाएगा। ये जो हमारे यहाँ झाड़ फूक में जो चलता है तो जादू है, जादू है, जादू होता है, लेकिन अगर कोई शख्स किसी के ऊपर जादू करता है तो क्या अपनी मर्जी से जो कुछ चाहे कर लेंगे, यानी किसी का कारोबार तबाह कर देवे, किसी को बिल्कुल बीमार कर देवे, ये सब कर सकता है। अल्लाह ने कुरान में बिल्कुल साफ कहा व तबा मा तुम शयातीन अला मुल्क सुलेमान व मा कफर सुलेमान वलकिन शयातीन कफरु युअल्लिमून अन्नास सिहर जिससे मियां और बीर में झगड़ा पैदा करवा देते, ये बड़ी खतरनाक चीज है। शैतान को सबसे ज्यादा महबूब यही है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि शैतान की भी मुरादी है, और जो इनका इबलीस जो इनका सरदार है जिसने सत्य से इनकार किया था वो रोजाना अपना तख्त तो समुंदर के ऊपर लगाता है और शैतान को सब पूछता है क्या कारनामा अंजाम दिया, कोई कहता है शराब पिला दिया, कोई कहता है हराम खोरी करा दिया, माल हड़प करवा दिया, भाई भाई में झगड़ा लगा दिया, बाप बेटे के खिलाफ हो गया, सब बातें बताते हैं, सब सुनता है। एक शैतान खड़ा होकर कहता है मैं काम किया, मियाँ और बीवी में झगड़ा लगाया और नौबत जुदाई पर लिया, तो उसको उठ करके गले से लगाता है, कहता है ये है सबसे तुमने आला मतलब जिसने दो खानदानों को तोड़ दिया,
हमारे यहाँ मुशरिकीन भी कभी कहते हैं, कभी कभी मुशरिकीन इंसानों में भी ये काम करते हैं लोग। अल्लाह ताला ने कहा शयातीनुल इंस और शयातीनुल जिन, दोनों कुरान में अल्लाह ने इसका तज़किरा किया। शयातीनुल इंस कौन होते हैं? वही, अरे छोड़ उसको, ये गलती की उसने, छोड़ दे, ऐसा बोलना यार, झगड़े को बढ़ाना, बढ़ावा देना। ऐसी खवातीन जो शौहर के बारे में औरत को बरगलाती है, जो उनको झगड़ा लगाने के लिए कोई बात अगर कभी निकल गई जबान से शौहर के, बीवी की गैर मौजूदगी में तो बीवी तक पहुंचा देती। हालांकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मिलाने के लिए झूठ बोलना चाहिए, दुनिया लड़ाने के लिए सब बोलते, और जब कहा जाते हैं तो कहते हैं मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ कि शयातीन इंस यही सब है जो बुराई के लिए ले जाते हैं। चल बहुत दिन से कहने के लिए, चल फिल्म बीने के लिए, किसी और शौक को, गैर शरई शौक को पूरा करने के लिए जो कांधे पर हाथ रख करके ले जाते हैं, शयातीन इंस है जो गुनाह और बुराई के रास्ते पर ले जाते हैं। खैर उन लोगों का मामला यह था लेकिन उसके बावजूद वो लोग सीखते थे। उसके बाद अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, वो इतना ही कर सकते थे जितना अल्लाह ने लिख दिया है तकदीर में। अल्लाह ने अगर लिख दिया है, अल्लाह की मशीयत है कि इनमें इख्तलाफ हो, तो उसका दर्जा क्या रहेगा? झगड़ा, यानी जादू। वरना अगर अल्लाह ने नहीं लिखा है तो कोई नहीं कर सकता। ये उसूल अल्लाह ने बयान किया पहले पारे में, जादूगर अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इसको और ज्यादा आसान समझने के लिए मैं एक मिसाल दे रहा हूं। ऐसा फर्ज कर लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत है कि किसी आदमी के बारे में कि वो जख्मी होगा जुमा के रोज जुमा की नमाज से कुछ पहले, ऐसा अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिखा हुआ है जख्मी होना। अब जख्मी होने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हो सकता है कि वो चलता हुआ गिर जाए और जख्मी हो जाए, हो सकता है वो किसी सवारी से चल रहा हो और जख्मी हो जाए, कोई आकर के उसको मार दे एक्सीडेंट से, हो सकता है किसी से झगड़ा हो और झगड़े की बुनियाद पर किसी हथियार का इस्तेमाल हो और उसमें वो जख्मी हो जाए। तो जख्मी होना अगर अल्लाह ने लिखा है, असबाब कुछ भी हो सकती है, तो अगर अल्लाह ने आपके हक में वो नुकसान लिख दिया है तो जादू के जरिए हो सकता है। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा अपनी सवारी पर बिठाया, बचपन था इनका, ये सगारे सहाबा में से है, अल्लाह के नबी के दौर में बच्चे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचाजात भाई थे हजरत अब्बास के लड़के। तो इनको सवारी पर बिठाया और कहा ए मेरे गुलाम सुन, कलम उठा लिए गए, स्याही खुश्क हो गई और जो कुछ इस दुनिया में होना था रब्बुल आलमीन ने सब लिख दिया। अब अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे लिए कोई तकलीफ लिख दी तो पूरी दुनिया मिलकर के तुझको आसानी और राहत नहीं पहुंचा सकती, उस तकलीफ से बचा नहीं सकती। और अगर अल्लाह ने कोई राहत लिखी है तो पूरी दुनिया मिलकर के तुझको मार नहीं सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम उठा लिया, स्याही खुश्क हो गई, अब हर शख्स के बारे में कब किस तरह क्या उसके बारे में होगा ये सब लिख दिया। तो जादू पर उतना ही कर सकता है जादू होता है, लेकिन हमारे समाज और माशरे के जो चट्टान है जादू के सिलसिले में, खास तौर पर झाड़ फूक के सिलसिले में, सबसे पहली चीज इसको पेशा बनाने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, झाड़ फूक को पेशा बनाने से। इसीलिए आप देखेंगे बड़ी बड़ी डिग्री वाले उलमा आपको मिलेंगे मदारिस में जो रात दिन दिन की खिदमत करते हैं, हाफिज कुरान मिलेंगे जो एक एक हर्फ को अल्लाह के करम की बुनियाद पर सीनों में महफूज कर लिया है, इबादत गुजार मिलेगा। लेकिन आपको किसी मदरसे में कोई बड़ा मौलवी इफ्ता का तो मिलेगा डिपार्टमेंट के, यहाँ फतवा मिलेगा, कसा का डिपार्टमेंट मिलेगा, झगड़ा हो तो यहाँ तस्बीहा भी कर देंगे। लेकिन आपको किसी मदरसे में यह डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा कि यहाँ झाड़फूक हो, फला मौलवी आपका कुछ हो तो झाड़फूक कर देगा, यह आपको नहीं मिलेगा। और उलमा में अगर आप तलाश करेंगे तो आपकी उंगलियों का पोड़ खत्म हो जाएगा, लेकिन छड़पुकुओं की तेदा बाकी नहीं बचेगी, वो खत्म हो जाएगी उससे पहले। पोड़ आपका खत्म होने से पहले वो छड़पुकुए उलमा खत्म हो जाएगा जो चार छह आठ रहेंगे वहां।
इसको पेशा बनाने से अल्लाह के नबी ने मना किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद सीरत तैयबा अगर आप पढ़े तो चंद वाकयात मिलेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा कोई मामला आया। चंद वाकयात, एक बच्चे को लाया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बड़ी अजीब और गरीब कैफियत थी उसकी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बिठाया और उसके बाद आपने कुरान की आयतें तिलावत की और उसको प्रदम किया। बिल्कुल ऐसे बच्चे को देख रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। एक वाकया सहाबा इकराम में से मिलता है, खुदरी रजी अल्लाह तआला का। बाद लोग झाड़ फूंक में पैसा लेते हैं, हालांकि पढ़ने का कहां पैसा लगता है, लेकिन यह ऐसा कारोबार है बिना इन्वेस्ट किए बेशुमार आता है, बेवकूफ बना देते हैं बेशुमार। और जाहिल लोग इसमें न सिर्फ वही है कि अकीदे की सौदागरी करते हैं, यानी अकीदा लूटते हैं, माल भी लेते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं बताई है बिल्कुल आसान। लबीद बिन आसुम ने आपके ऊपर जो जादू किया था तो आपने हल के तौर पर क्या किया, कुलो रब्बिल फलक और कुलो रब्बिन नास पढ़। वो दोनों सूरतों का आदमी तर्जुमा पड़ जाए समझ में आ जाएगा, कुल औज़ रब्बिल फलक मिन शर्र मा खलक। ऐ अल्लाह मैं पना चाहता हूं तुझसे सारी मखलूकात के शर से, जितनी भी मखलूक इस दुनिया में तूने पैदा किया हर किसी के शर से तेरे पना चाहता हूं। अल्लाह से दुआ मांगता है बंदा। मैं एक बात कह रहा था वो अधूरी रह गई थी, उसको पूरा कर दूं। हमारे यहां एक चीज ये मशहूर है कि अगर जादू किसी के ऊपर हुआ है तो उसको रहमानी से अगर करना चाहे तो नहीं होगा उसका इलाज, शैतानी इल्म है, इसीलिए शैतानी से उसका मुकाबला किया जाएगा, गंदे का इलाज गंदे से किया जाएगा, नौज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब क्या है कि अब आप शिर्क में मुबतला हो जाए, कुफ्र करे। ये कहने वाला ये कह रहा है मुझको ये बताइए, लबीद बिन आसिम ने कहा कुरान की आयतें पढ़कर अल्लाह के नबी पर जादू किया था कि दुआएं पढ़कर की थी, क्या पढ़ा था उसे? यही सब शिर्किया और कुफ्रिया चीजें पढ़ी थी उसने, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयतों के जरिए शिफा दी। आदमी क्या कहना चाह रहा है कि शैतान की ताकत इतनी बड़ी थी कि रहमान की ताकत उसके सामने कमजोर पड़ गया। नौज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। ना उसने अल्लाह के इख्तियार को समझा, ना अल्लाह की कुदरत को समझा, ना अल्लाह की कुव्वत को समझा, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसलों को समझा, कुछ नहीं समझा उसने। ये जुमला कहता है आदमी, क्या कह रहे हैं आपको एहसास है? यानी आप अल्लाह की पनाह में जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको नहीं बचा पाएगा। नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कौन सी कुव्वत है जो रब्बुल आलमीन के सामने खड़ी हुई, कौन सी ताकत है? अल्लाह तमाम चीजों का खालिक है, वो रब चलती हुई आग को हमको देता है तो गुलजारे खलील बन जाती है। चीजों के अंदर तकलीफ देने की सलाहियत छीन लेता है, वो इतनी कुव्वत अख्तियार का मालिक है। क्या कहते हैं हमारे हमारे यहां झाड़फूक के सिलसिले में, जो झाड़फूक में इसको जब पेशा बनाए हुए जाहिर झाड़फूक में, इसके नुकसान लोग कुरान की आयतें वो दुआएं जिनको पढ़ने पर आपके ऊपर कभी जादू नहीं होगा, जादू कभी असरअंदाज नहीं होगा। आयतल कुर्सी अगर पढ़ करके सो जाए आदमी, सूरह बकरा की आखिर की दो आयतें अगर पढ़कर सो जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से निगहबान फरिश्ते रहते हैं। जादू की क्या करेगा शैतान, आपको क्या तकलीफ पहुंचाएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये मुतय्यन, लेकिन इस तरीके से किया जाता है, कुरान हदीस से दूर कैसे करते हैं और इसमें जो मुआवजा लेते हैं, मैं उस पर पहले थोड़ी सी बात कर लूं, फिर हमारे यहाँ जो जादू की किस्में अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो इसकी तफसीलात आइंदा हफ्ता इंशाल्लाह बयान करूंगा, और उसका इलाज क्या है उसके नुकसान के साथ साथ। पहली चीज जो पैसा लेते हैं इसकी दलील क्या है? हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सहाबा इकराम का एक काफिला एक मरतबा सफर में था, तो आप लोग एक मकाम पर पहुंचे थे। पहले दौर में ऐसा था कि कोई होटल वगैरह रहती नहीं थी, तो जिस शहर में या जिस गाँव में जिस बस्ती में मेहमान आता तो एक अखलाकी कानून था बैनुल अक़वामी कि उस बस्ती के लोगों की जिम्मेदारी थी उनकी मेजबानी करना। आप लोगों ने मेजबानी करने के लिए कहा, हम लोगों ने इनकार किया। सहाबा इकराम इसी तरह रुके, कोई बात नहीं। कुछ देर बाद उनमें से कोई शख्स आया, कहा तुमने कोई भूख ना जानता है? कहा क्यों? तो कहा हमारे सरदार को बिच्छू ने काट दिया, कोई बिच्छू काट बिच्छू का के ऊपर दम करना जानता है बिच्छू के काटने पर? तो कहा हमारे सरकार को दम कर दो। कहा नहीं,
वादा करो 30 बकरियां जमा कराओ तो दम कर दूंगा। उन लोगों ने 30 बकरियां लेकर आए। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला ने सूरह फातिहा पढ़कर के उनको प्रदान किया, अल्लाह ने शफा। अब हजरत अबू सईद खुदरी और सहाबा इकराम में मशरूब हो कि बकरियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, जो लोग झाड़ फूक का चार्ज करते हैं। सहाबा कहते हैं कि इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, क्योंकि हमने तो इसलिए लिया है। कहा अल्लाह के नबी से पूछ लेंगे उसके बाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के कहा कि अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा मामला हुआ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने कहा उन लोगों ने मेजबानी नहीं की थी इसकी वजह से आपने किया ना। कहा हाँ अल्लाह के नबी। तो कहा ठीक है, उसको आपस में तकसीम कर लो और एक हिस्सा मेरा भी लगा दो। एक मरतबा मजलिस में यह सवाल आया था कि इससे तो दलील निकलती है, तो मैंने कहा कि दलील तो ये निकलती है कि झाड़ूपे को जो मिलेगा पूरा बांटा जाएगा, क्योंकि अल्लाह के सामान सहाबा में तकसीम हुआ था और अल्लाह का नबी भी तो मस्जिद के इमाम भी उस इलाके का जो रहेगा उसका भी हिस्सा रहेगा। अब हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला ने उसके बाद कब लिया झाड़ूप का पैसा, कब उसके बाद लिया? ये जो चार्ज लगाती है, जो दलील देती है, इसके बहुत सारे जवाब दिए गए और आपने बिल्कुल खुलकर बताया कि सूरह फातिहा पढ़ करके मैंने दम किया। ये ऐसा लगता है शैतान राज में रखते हैं उसको छुपा कर। कितमान इल्म क्या है? पहला पारा पढ़ गया, यहूदियों की सिफत अल्लाह ने बयान किया कितमान इल्म, छुपाना किसी चीज को। यहूदियों की सिफत है यार, इंतहा बदतरीन सिफत मानी गई कितमान इल्म। तो इसको पेशा बनाने से मना किया, उसको पेशवार के साथ मैं इंशाअल्लाह आइंदा आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ झाड़फूक के सिलसिले में जो गाड़ियाँ पाई जाती है सिर्फ एक चीज़, हमारे माशरे में जो ट्रेन कह देते हैं किसी को, ट्रेन नाम का कोई वजूद नहीं होता है, ट्रेन होती ही नहीं। इसको साबित ही नहीं किया जा सकता कि कोई ट्रेन है। एक शख्स यहाँ भी मौजूद हो और दूसरे मोहल्ले में भी मौजूद है, ये मुमकिन ही नहीं। हमारे बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं कि उसको ट्रेन लगी, उसको ट्रेन लगी, उसको ट्रेन लगी। मैं सिर्फ एक पहलू बताऊंगा, उसके बाद इसके दलीलें इंशाल्लाह आइंदा हफ्ता अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो बताऊंगा। हम किसी के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि ये ट्रेन है, ये जुमला जो हमारी जबान से निकलता है, लेकिन कितनी असियत नाम तौर से वो खानदान के लोग गुजरते हैं इसका कभी अंदाजा लगाया आपने? क्योंकि उसके बाद सफाई का कोई वो नहीं है कि सफाई दे दे। नतीजा यह होता है उनके यहाँ लड़कियों का रिश्ता नहीं आता है, उनके यहाँ बच्ची कोई नहीं लेता है। जहाँ टुने मार पड़ जाएगी, यहाँ टुने ही नहीं है, तो उसके लड़की का रिश्ता कोई नहीं लेता, उसके लड़के को रिश्ता नहीं मिलता है। मसलसल असियत से दो चार होते हैं, आपने तो बैठ करके अंदाजा एक जुमला कह दिया। और फिर हमारे यहाँ लोग बिला तहकीक बातें आगे बढ़ाने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ाए अगर कोई शख्स, उसके झूठा होने के लिए काफी है, किसी आदमी के झूठा होने के लिए ये एक बात काफी है। क्या प्रूफ था हमारे पास? मैंने एक मरतबा ताहिरा मस्जिद में खुतबा किया तो शहर की सबसे मशहूर ट्रेन का लड़का 65 साल की उम्र थी, बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा और कहा जिस असीयत से पूरी उम्र गुजरा था अल्लाह का करम है कि मिंबर पर से किसी ने उस असीयत को दोहराया तो मेरी अम्मा भी डूबी। मैं एक हकीकी वाक्य बना करके अपनी बात सिमेंट दूंगा। रमजान मुबारक में मैं एक मरतबा एक मस्जिद में गया, लैलतुल कद्र की रात थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई तुम्हारा भाई लैलतुल कद्र एतिकाद में बैठा है तो उससे दुआ की दरख्वास्त करो। इसी मुनासबत से मंगाया, लेकिन एक गलती ये हुई कि मैंने पर्दा हटा दिया। वो रो रो करके दुआ कर रहे थे जो साहब थे, मुझको एहसास में भी नहीं हटाना चाहिए था वो जिस कैफियत थी, क्योंकि जब आदमी तौबा करता है अल्लाह के सामने अपने सर को रख करके तो उसके अल्लाह के दरमियान कोई नहीं होता, वो खुल कर अपने गुनाहों को बयान करता है और रहीम और करीम और उससे खुल करके सारा इकरार करने के बाद माफी मांगता है, वो करीम रब माफ कर देता है। बाहर कुछ देर के बाद जब मैं पहुंचा तो काफी रोए थे, कहते बिल्कुल चेहरा का मतलब होता है, वजू खाने पर बैठे हुए थे। मैं सलाम किया, मैंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मजीद तौबा की तौफीक दे दे और उस पर जमे रहने की तौफीक दे दे और हमारे लिए भी दुआ करें। उससे कहते हैं वो मस्जिद में बैठे हुए थे वजू खाने पर, कहते हैं हाफिज साहब मैं तौबा नहीं कर पाता। मैंने कहा फिर क्या करें? कहा मैं एक आलिम के लिए बद दुआ करता हूँ।
मेरा पूरा वजूद बैतुल कदर की रात सजदे की हालत अश्क बारी अश्क रेजी के साथ आंसुओं से तारे के लिए मतवा रहा हूं। मैंने कहा क्यों इसमें क्या सीखा, दरबजर कर दो माफ कर दो अल्लाह माफी को पसंद करता है। बोले मैं माफ नहीं कर सकता। बोले उसने मेरी वालदा को नहीं और मेरी उम्र 52 साल की है, महोश संभालने के बाद जिस अजियत से गुजरा हूं और मेरा घराना सिर्फ मैं जानता हूं उस अजियत को मार के सर्विस ये मत बोलना, ये मत कहना। ये तो एक वाकया है, न जाने कितने आंसू होंगे जो तनहाई में गिरते होंगे उसका सबब हम है। एक गलत चीज को माशरे में बयान कर दिया, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा ट्रेंड का कोई वजूद नहीं। शैतान है जो लगते हैं, अल्लाह ने कहा यतखबतु शैतान बिलनस, लेकिन ये जादू है, लेकिन ये 99% बीमारी होती है, 99% मेडिकल बताता है। अब इसके बाद बकिया परसेंट जो होता है तो कहीं अलग रहना होता है, कहीं शौहर के साथ नहीं रहना होता है, कहीं सास और देवरानी जेठानी से हिसाब चुकता करना होता है, अलग अलग अस्बाब होते हैं। अब झूमना झामना इसमें कोई खास प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये जो छड़ में पूरा पूरा नींबू निकालते हैं तो बड़ी हैरत लगती थी। बात सुना तो तभी लोग लीमू दुनिया में आज तक आपने किसी को देखा है खा खाते हैं पूरी दुनिया में? अरे खाया नहीं जाता है, उसका रस्ते जोड़ कर खाते हैं। जो गया नहीं वो निकाल रहे, जो गया नहीं है वो बाहर कर रहे हैं। ये क्या है, ये अकीदे से कैसे खिलवाड़ करते हैं, किस तरह करते हैं, इंशाल्लाह इसकी तफसील बताऊंगा। जादू जिन शयातीन जितना कुरान हदीस में बता दिया, उससे बचने के लिए दुआएं बताई गई है, सुबह शाम के अजकार उसको पढ़ना चाहिए। कोई जादू, कोई जादूगर और कोई शैतान हम लोग को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद शामिल हाल नहीं हो। उसका वो तरीका इख्तियार करना चाहिए, वो तरीका जो हमारे समाज और माशरे में या अकीदे को तबाह करने वाला, कुफ्र तक ले जाने वाला और घरों को और माशरे को तबाह करने वाला, हकीकत पसंदी से फरार इख्तियार करने वाला और घरों को माशी एतबार से और मुख्तलिफ अखलाकी एतबार से बिल्कुल जीरो कर देने वाला मामला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हर मामले में शरीयत के अहकामात पर हमें अमल करने की तौफीक दे। इलाहा आलमीन रब्बुल आलमीन जो अहकामात तू दिए हैं रब्बुल आलमीन तूने उन अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन इलाहा आलमीन हमें जिक्र अज़कार की, तौबा और इस्तिगफार की, इबादत की पाबंदी की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन आलमीन गुनाह शिर्क और कुफ्र के कामों से हमारी हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे जो भाई नादानी से इसमें लगे हुए हैं, हमारी जो बहने नादानी से इसमें लगी हुई है, जो खवातीन लगी हुई है, रब्बुल आलमीन किसी के दांव फरेब में आ गए, रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत फरमा, उनके दिलों को उनके सीनों को खोल दे। रब्बुल आलमीन रब्बुल आलमीन हमारे माशरे को इस जुर्म से इस गुनाह से पाक कर दे। रब्बुल आलमीन इस गलती से पाक कर दे। आलमीन हमारे अकीदे को पुख्तगी दे। अल्लाह हर बड़े से नफे पर तेरा शुक्र अदा कर, बड़े से बड़े हर आलमीन हमारा हाथ ना ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैताना वहब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अन्तल वहाब।